हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये लुक शेयर करने जा रही हूँ, और इस वीडियो के लिए मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल ट्राई करने की कोशिश की है। तो मैंने ब्लू आई मेकअप विद द ब्लू लिपस्टिक यहाँ पे वेयर किया है, तो इस वीडियो को फन वे में लीजिएगा। और मैंने आउटफिट और ईयरिंग को भी ब्लू में ही रखा है, जस्ट मुझे कुछ नया और कुछ अलग ट्राई करना था तो इसके लिए। तो मुझे बताइएगा ये लुक मेरे ऊपर कैसा जा रहा है, या आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप एंजॉय करिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम स्किन को प्रेप करेंगे। तो स्किन प्रेप के लिए मैंने एक हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मैंने पहले भी इसका डिटेल रिव्यू किया है, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, तो मैं अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी लूँगी और अपने फेस पे, आइज़ पे, नेक एरिया पे इसका अच्छा खासा मसाज दूंगी। उसके बाद मूव ऑन करते हैं प्राइमर के लिए। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ किया है। काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी का प्राइमर है, तो पोर्स मिनिमाइज कर देगा और एक फ्लोलेस बेस देगा आपको। तो जहाँ पे भी मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम लगता है, वहाँ पे मैं ये प्राइमर को अप्लाई करूँगी, और उसके बाद अदर एरिया में भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो भी जैसे आई मेकअप है या अदर बेस है वो काफ़ी अच्छे से सेट और फ्लोलेस लगे। उसके बाद हम कॉन्टोर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर अगर पहले कर लेते हैं ना, तो वो और भी अच्छे से इन्हेंस होके आती है और काफ़ी ज़्यादा वेल ब्लेंडेड लगती है। तो फोरहेड्स पे और चिन पे और जॉ लाइन को मैं कॉन्टोर करूँगी, नोज़ को कॉन्टोर करूँगी और लिप को कॉन्टोर करूँगी, ताकि अच्छे से जो भी फीचर्स हैं हमारे वो इन्हेंस होके आए। तो मैं कुछ प्रो तो नहीं हूँ कॉन्टोर में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ स्टिल एक अच्छा वर्क करने की। तो इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है वहाँ अप्लाई कर लूँगी, एंड देन आप चाहें तो अगेन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं सब कुछ, या तो फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने कॉन्टोर के लिए यहाँ पे मीनाओ का कॉन्टोर पैलेट यूज़ किया था, जिसमें आपको हाइलाइटर, कंसीलर और क्रीम कॉन्टोर मिल जाते हैं। सारे क्रीमी प्रोडक्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्ट सारे, और वेल ब्लेंडेबल हैं। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सारे एरिया को, और नोज़ पे मैं फिंगर की हेल्प से वर्क करूँगी, क्योंकि स्मॉल पार्ट है और फिंगर की हेल्प से मुझे नोज़ पे वर्क करना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और एक अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है। ब्रश की हेल्प से करते हैं या फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करते हैं, उससे ज़्यादा फिनिशिंग मुझे फिंगर की हेल्प से मिलता है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं कंसीलर के लिए। तो अंडर आई में और जहाँ पे मुझे लगेगा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, वहाँ पे मैं कंसील कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो भी आई मेकअप है या फिर जो भी बेस है वो विदाउट एनी पिगमेंटेशन का शो हो। तो कंसीलर में अप्लाई करने के बाद अगेन वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, डायरेक्टली मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे फाउंडेशन लूँगी और इस तरह से मैं डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लैक्मे का फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ किया है, अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा वर्क कर देता है। तो इस तरह से डैब डैब करते हुए मैं ऑल ओवर ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने पहले कॉन्टोर किया, फिर कंसीलर किया, और उसके बाद मैं फाउंडेशन की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। तो जब हम कॉन्टोर पहले करते हैं ना, तो फाउंडेशन यू नो मीडियम कवरेज दे ऐसा ही यूज़ करना चाहिए। फुल कवरेज का अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो जो कॉन्टोर है वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है, तो कोई मतलब का नहीं रहता है। तो ये मीडियम कवरेज देगा, इसलिए मैंने ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, फाउंडेशन यूज़ किया है। देन लैक्मे का कॉम्पैक्ट मैं लूँगी और फुल फेस नहीं, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी, और बाकी जस्ट ब्रश यूं ही फेर दूँगी, ताकि ऑल ओवर पूरा फेस सेट लगे। उसके बाद
आई मेकअप की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, उसके पहले मैं यहाँ पे लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी आई मेकअप के टाइम पे फॉल आउट होगा ना वो पाउडर पे आ जाएगा, तो फेस पे कुछ भी चिपकेगा नहीं। और जहाँ पे कॉन्टोर किया था उसके नीचे वाले पोर्शन में मैं उसी ब्रश को इस तरह से अप्लाई कर दूंगी, जो भी बचा कुछ लूज पाउडर रहेगा वो, ताकि कॉन्टोर और भी अच्छे से इन्हेंस होके आए। तो कॉन्टोर अप्लाई किया था उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे के पार्ट में मैंने अप्लाई किया है इस लूज पाउडर को। एक डार्क ब्राउन शेड लेके हल्की हल्की पिगमेंटेशन देते हुए मैं क्रीज लाइन डिफाइन करूंगी। एकदम से पूरा कलर नहीं पिक करना है, थोड़े थोड़े स्ट्रोक में हमें आगे बढ़ना है, जितनी आपको पिगमेंटेशन चाहिए उस तरह से। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको एक अच्छा सा परफेक्ट डार्क ब्राउन क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए कलर मिल जाए, देन आपको स्टॉप हो जाना है। तो मुझे इस स्टेज पे लग रहा था परफेक्ट कलर आ गया है, तो उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, हल्की सी फिनिशिंग देते हुए मैं क्रीज कट कर लूँगी। उसके बाद रिंग फिंगर की हेल्प से मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है, ये मैट ब्लू कलर है, उसे मैं अप्लाई करूँगी। मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया, डायरेक्टली ये ब्लू कलर को अप्लाई किया है। देन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो क्रीज लाइन है उसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि वेल ब्लेंडेड लगे सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमने फिनिशिंग नहीं दिया है। तो मैट कलर के लिए मैंने मार्स का पैलेट यूज़ किया था, और उसके बाद स्विस ब्यूटी का ये शिमर ब्लू कलर लिया है मैंने, उसे भी रिंग फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। रिंग फिंगर की हेल्प से इसलिए क्योंकि पिगमेंटेशन और भी अच्छे से इन्हेंस होके आती है। देन उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लू कलर आपको अपनी अकॉर्डिंग से हिसाब से लेना है, जितनी भी आपको अच्छी खासी पिगमेंटेशन मिल जाए उस हिसाब से। तो इतना मुझे ठीक लग रहा था, उसके बाद उसी ब्लू कलर को लेके मैं लो लैश पे स्मच कर लूँगी ताकि फुल आई लुक कंप्लीटेड लगे। और उसके बाद आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे एलन ब्लू का आईलाइनर यूज़ किया है। इसकी वॉल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और लिक्विड है, मैट है, काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है, प्रेसाइज आपको कंफर्ट जोन मिल जाता है क्योंकि इसकी वॉल्ट और जो हैंडलिंग है ना काफ़ी कंफर्टेबल है। तो एक विंग लाइनर अप्लाई करूँगी, डबल विंग आईलाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो काफ़ी पतला है लेकिन डबल है। उसके बाद मैंने आईलैश को कर्ल किया है और देन मार्स का मस्कारा यहाँ पे यूज़ किया है। तो आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मस्कारा जब मैंने अप्लाई कर लिया तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी एक शिमरी गोल्डन कलर लेके, और मैंने फॉल्सीज अप्लाई की है यहाँ पे मस्कारा और फॉल्सीज। उसके बाद जो भी लूज पाउडर था उसे मैं रिमूव कर दूँगी। ब्लश अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, तो डियो का ब्लश है, उसमें से ऑरेंज कलर लिया है, नोज पे, चिप पे, फोरहेड पे, चिन पे अप्लाई कर लूँगी। देन NYB का सेटिंग स्प्रे लेके सब कुछ अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में सेट कर लूँगी। तो काफ़ी बेस फ्लॉलेस लगेगा, सेट लगेगा और काफ़ी लॉन्ग तक स्टे करेगा। काजल के लिए अगेन मैंने एलन ब्लू का काजल यूज़ किया है, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा वाला काजल है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सटल ग्लो मिल जाता है, चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें। तो यूजल प्लेस पे अप्लाई कर लूँगी, क्यूपिड बो पे अप्लाई कर लूँगी, नोज पे रिंग फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी क्योंकि फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है, एकदम शार्प एज लुक आना चाहिए। उसके बाद अगेन सब कुछ वेट ब्यूटी ब्लेंडर पे जो सेटिंग स्प्रे था तो वही ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस को। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे आई शेडो को यूज़ किया है, तो पहले लिप लाइनर अप्लाई किया है, उसके बाद ब्लू आई शेडो एज ए लिपस्टिक अप्लाई किया है, तो हमारा लुक डन है। इयररिंग ब्लू पहना है, आउटफिट ब्लू है और हेयर मेरे नॉर्मल है, किसी तरह का कोई टूल्स अप्लाई नहीं किया है। तो जस्ट फन वे में था ये लुक, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और यूजली तो ये लुक आप कहीं वेयर नहीं कर सकते हो, हाँ लेकिन कोई थीम पार्टी वगैरह है तो उसमें चला जाएगा ये लुक, बट चल जाता है ना कभी कभार ओवर भी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस तरह से फन पार्ट वाले वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, लव यू ऑल, बाय बाय गाइज।